श्री गणेशाय नमः। हमेशा आपको एक काम करना चाहिए, ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने हार को जीत में, नुकसान को फायदे में, रास्ते के पत्थर को सफलता की सीढ़ी में बदला है। ऐसे लोग दुखी और उदास होने से ही इनकार कर देते हैं, मायूसियों को और नाकामयाबियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वालों में एक बेथोवन भी हैं। उनकी अक्षमता क्या थी, वे बहरे थे। प्रकृति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखने वालों में एक थे मिल्टन। उनकी अक्षमता क्या थी, वे अंधे थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और दुनिया के महानतम नेताओं में से एक हैं। उनकी अक्षमता क्या थी, वे चल फिर नहीं पाते थे, जिससे उन्हें व्हीलचेयर पर ही बैठकर काम करना पड़ता था। तो हमेशा हार को जीत में बदलना, ये इंसान अगर करना सीख ले, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ें जो खुद को मोटिवेट कर सकें, एक लाइफ के अंदर गोल दिखा सके, तो उस तक पहुंचना ये हमारे हाथ में है। परिश्रम करना अपने हाथ में है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता ये अपने आप को स्वयं ढूंढना ही पड़ता है। इनमें से किसी की भी जीवनी उठा करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कितनी ज़्यादा समस्याएं थी और कैसे इन समस्याओं को ही इन्होंने समाधान में बदला। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में और आज के राशिफल के नए एपिसोड में। आज मैं सबसे पहले उन सभी को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आज जन्मदिन, शादी की सालगिरह या कोई विशेष यादगार सफलता का दिन है। आज सबसे पहले मैं आपको ग्रह स्थिति बता देता हूं क्या रहेगी। आज चंद्रमा मेष राशि में, राहु मिथुन राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में स्थित है और धनु राशि में पांच ग्रह सूर्य बुध गुरु शनि और केतु विराजमान है। शुक्र मकर राशि में आज के दिन विराजमान रहेंगे और आज प्रातः से ही मेष राशि में चंद्रमा विराजमान है। अब इससे किसको शुभ फल मिलेगा और किसको सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी तो जानिए। इससे मेष मिथुन कर्क तुला वृश्चिक धनु और कुंभ राशि को शुभ फल मिलेंगे। वहीं पे वृष राशि सिंह राशि कन्या राशि मकर और मीन राशि के जातकों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। इन ग्रह स्थिति के संदर्भ में आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है 6 जनवरी का राशिफल। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहेगा 6 जनवरी का राशिफल हम सभी के लिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए आज राशि से प्रथम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका दिन अच्छा रहेगा। इस राशि के बिजनेसमैन जो हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं और फ्रीलांसर्स हैं, इनके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल भी बिताएंगे और आप कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अपना ज़रूरी सामान ले जाना नहीं भूलना है। याद रखिएगा, आप अगर भूलने की आदत है या भुलक्कड़ हैं तो आज कोई भी चीज़ की लिस्ट बना लीजिएगा, क्या क्या जाने के लिए ज़रूरी है, पासपोर्ट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ या ऐसी कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन है आपको ले जाने के लिए, उन सभी की लिस्ट बना करके सही से ले जाइएगा। आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और आज के लिए आपका लकी रंग है रेड और आपका लकी नंबर है नंबर 9। बात करते हैं वृष राशि की। तो आज आपकी राशि से 12वें भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आज आपका दिन कठिनाइयों से भरा हुआ रहेगा। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो आज के दिन आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आज आर्थिक पक्ष पर आपको कमजोर रहेगा और परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने में आज के दिन नाकामयाबी का चेहरा देखना होगा। स्वास्थ्य आज के दिन बहुत ही कमजोर रहने वाला है। अपने आप को बहुत ही ज्यादा टेंशन में डालेंगे, बहुत ज्यादा भागदौड़ करेंगे तो अपने आप को पाएंगे कि कोई ना कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य को लेकर के बहुत जल्दी सामने आने वाली है और इसी के चलते आप अपने आप को काम में भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपने आप को फोकस रखना है, सही तरीके से दिन बिताना है तो कोई भी प्रॉब्लम है, सही समय पर खाना है, सही समय पर कोई भी व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, सही समय पर सोना है और अपने आप के लिए एक शेड्यूल बनाना है तो उससे आप देखेंगे जो समस्याएँ हैं हेल्थ को लेकर के वो काफ़ी हद तक अपने आप कम होती नज़र आएंगी। आज के लिए आपका लकी रंग है पिंक और आपका लकी नंबर है नंबर 7। तो आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आज आपकी राशि से 11वें भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं।
आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। इस राशि के लोगों के जीवन साथी के साथ संबंध और ज्यादा मधुर होते नजर आ रहे हैं। आज किसी काम में भाई बहन से पूरा सपोर्ट भी मिलने की पूरी संभावना है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ लोगों से आज आपको सहयोग मिलेगा। जो कलीग्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं और आप सपोर्ट मांगने जाएंगे उसके साथ में आपको हाँ बोला जाएगा। आज महत्वपूर्ण कामों में आपका समय ज्यादा बीतने वाला है और दोस्तों से प्यार मिलेगा। परिवार का पूरा आज के दिन आपको सपोर्ट भी मिलेगा। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे आपको डिसीजन लेना है, आपको लग रहा है कि आप कहीं पे फंस चुके हैं, तो आपको सिर्फ अपने फैमिली को आवाज़ देनी है और सबके सब सपोर्ट में आज आपके खड़े रहेंगे। आज के दिन काम से की गई यात्रा आपको ज़्यादा मुनाफा दे सकती है और आपके अपने लक्ष्य के और ज़्यादा करीब ला सकती है आपको। जीवन साथी के साथ आज आपके संबंधों में और ज़्यादा मधुरता देखने को मिलने वाली है। आपका स्वास्थ्य भी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी रंग है ब्लू और आपका लकी नंबर है नंबर 5। तो आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आज आपकी राशि से दशम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका दिन बहुत ही शानदार बीतने वाला है। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं, काफी समय से एक जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए भी आज अच्छी कंपनी से अच्छी जॉब के लिए ऑफर आ सकता है। वहीं आज अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है जो ऐसे लोग हैं जिनके पास में ऑलरेडी जॉब है, पर जॉब होते हुए एक नई जॉब की सोच रहे हैं, कहीं पे अच्छी कंपनी में लगने की सोच रहे हैं, तो उनके सोशल सर्कल से ही उनको अच्छे लिंक्स आज मिल सकते हैं जो आगे जाकर के उनको अच्छी जॉब दिलवा सकते हैं। आज यात्रा के कारण आप थोड़ी थकान भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन शाम तक अपने आप आज अच्छा महसूस करना शुरू कर चुके होंगे। आज के लिए आपका लकी रंग है बैंगनी और आपका लकी नंबर है नंबर 6। बात करते हैं सिंह राशि की। तो आज आपकी राशि से नवम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका दिन सामान्य बीतेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो आज किसी सामाजिक कार्यक्रम यानी कि सोशल गैदरिंग में जा सकते हैं। वहां आपकी बातों पर सबका बहुत ही ज्यादा ध्यान रहेगा। बेहतर होगा कि थोड़ा संभल कर चलें और अपनी स्पीच को तैयार कर लें। इस राशि के जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, यानी कि फैब्रिक से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड कोई भी अगर बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज आपके व्यापार में आंशिक वृद्धि भी होने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन आज आपके रूखे व्यवहार के चलते जीवन साथी के साथ थोड़े मतभेद वो भी उत्पन्न हो सकते हैं। कहीं पे अपने ऑफिस की टेंशन लेकर के, ऑफिस का लोड लेके घर पे आए और बिना बात के झगड़े का वातावरण बनाया, तो ना ही सिर्फ दिन अपने आप फाइनेंशियली खराब हो रहा है, पर पर्सनल लाइफ में भी आप सेम की सेम प्रॉब्लम फेस करेंगे। आज के लिए आपका लकी रंग है येलो और आपका लकी नंबर है नंबर 4। बात करते हैं कन्या राशि की। तो आज आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसका मतलब आज का दिन कठिनाइयों और नेगेटिव विचारों से भरा रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी अपने आप आपको कमजोर होता नजर आएगा। आप एसिडिटी के मारे या तो फिर पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर के आज पूरे दिन परेशान रहेंगे। आप मन में अप्रसन्न रहेंगे। आज अपनी ऊर्जा को नेगेटिव कामों के अंदर लगाएंगे, जो आपके लिए अपने आप आगे जा करके खराब फील करवाएगा। खराब फील भी कराएगा और खराब रिजल्ट्स भी देगा। और इसी के चलते ऐसा भी हो सकता है कि किसी की अगर निगाह है आप पे, किसी ने पैनी निगाह आप पे रख रखी है, तो प्रॉब्लम ये भी बन सकती है कि वो आपको ऐसा कुछ करते हुए पकड़ भी ले। आज जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन होती नजर आ रही है, पर उस चीज़ को कंट्रोल करना या उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए मैं आपको बहुत ही जल्द उसका उपाय भी बताऊंगा। आज के लिए आपका लकी रंग है ग्रीन और आपका लकी नंबर है नंबर 3। बात करते हैं तुला राशि की। तो आज आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, तो आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आज आपका वैवाहिक जीवन रंगों से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति और हो सकती है और आपके धैर्य से काम लेने की जरूरत आज ज्यादा नजर आ रही है। आज ऐसे लोगों से जुड़ने से बचना चाहिए आपको, ऐसे लोगों से जो आपकी सोशल गैदरिंग में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात यानी कि ठेस पहुंचा सकते हैं, तो उनसे दूर रहना या उनसे दोस्ती ना करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन की भी बात की जाए तो अपने आप उसमें मधुरता और ज्यादा आपको बढ़ती नजर आएगी। आज आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा। घर का माहौल भी आज बहुत ही ज्यादा खुशनुमा रहेगा और घर में हर जगह खिलखिलाते चेहरे नजर आएंगे। आज के लिए आपका लकी रंग है ग्रीन और आपका लकी नंबर है नंबर 2।
बात करते हैं वृश्चिक राशि की, क्या कहते हैं आज आपका दिन कैसा हो सकता है। तो आज आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, तो आज आपका दिन परिवार वालों के साथ गुजरेगा। इस राशि के छात्र यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं आज परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक ला सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर्स ला सकते हैं और फ्लाइंग कलर से पास हो सकते हैं। आज दोस्तों के साथ आपको अगर टाइम बिताने को मिल रहा है तो आपको ज़रूर बिताना चाहिए। अगर जितना भी वर्कलोड है उसको साइड में छोड़िए और दोस्तों के साथ में समय बिताने की कोशिश कीजिए। ये देख करके ये करके आप अपने आप को एक तो पहले रिफ्रेश फील करेंगे और इसी के चलते आपके जो रिश्ते हैं वो और गहरे हो जाएंगे, मित्रता और गाढ़ी हो जाएगी। आपको इमोशनल और मेंटली रिलैक्स्ड आज के दिन बहुत ही ज़्यादा फील होगा और व्यापारिक यात्रा अगर आपको करने की ज़रूरत पड़ रही है कोई भी बिजनेस टूर पे, चाहे आप जॉब करते हैं या आपका खुद का बिजनेस है उसके लिए, तो वो भी यात्रा आज के दिन फायदेमंद साबित हो सकती है। आज बच्चों से संबंधित चिंता आप कुछ कर रहे थे कि क्यों पढ़ते नहीं हैं, बात नहीं मानते हैं, या तो फिर स्कूल के अंदर उनकी कोई गड़बड़ी की रिपोर्ट आई है, कोई शैतानी की उन्होंने उसकी रिपोर्ट आई है, तो उन बातों को भी लेकर के आज आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। आज धर्म के प्रति आपको विशेष रुचि नज़र आएगी, आपका झुकाव धार्मिक कार्यों पर ज़्यादा बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी रंग है रेड और आपका लकी नंबर है नंबर 1। बात करते हैं धनु राशि की, तो आज आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, तो आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है, कोई ज़्यादा गतिविधि नहीं देखने को मिलेगी। आज आपके व्यवहार से दूसरे लोग आपसे प्रसन्न होते नज़र आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक बना रहेगा। परिवार के साथ समय अगर आप गुजारते हैं तो आप खराब दिन को भी, सामान्य दिन को भी अपने आप बहुत ही अच्छा बना देंगे। घरेलू उत्तरदायित्व आज आपको बहुत ही अच्छे से बखूबी निभाने की ज़रूरत पड़ेगी। और मित्रों के साथ अगर आपकी कोई भी ऐसी ट्रैवल होने वाली है, सिटी में ही घूमने वाले हैं, कहीं दूर आसपास में जाकर के आ रहे हैं, तो आज मनोरंजन के लिए कुछ भी किया हुआ आपको और ज़्यादा अच्छा फील कराएगा। आज घर परिवार के किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा भी आप डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है घर में किसी की शादी होने वाली है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, किसको क्या उत्तरदायित्व निभाना चाहिए, किसको क्या खरीद करके आने हैं, क्या बुकिंग करनी है, तो उन सभी कामों के लिए आज आप तट पर खड़े हैं। आज के लिए आपका लकी रंग है बैंगनी और आपका लकी नंबर है नंबर 3। तो अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, आपका दिन कठिनाइयों से भरा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आज आपको निराशा प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं पे किसी ने कुछ काम पकड़ाया है तो वो काम समय पर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बॉस की डांट तो सुननी पड़ेगी पर कलीग्स के बीच में भी थोड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे और उसी के चलते अगर एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसके अंदर अपने आप को दूसरों से पिछड़ा पाएंगे। आज आपको अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हर चीज़ आसपास में गिरती नज़र आ रही हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक जीवन साथी ही है जो उसको अपने आप संभाल सकता है, खराब से खराब सिचुएशन को आपको लेकर के प्रोटेक्ट कर सकता है। तो कोई भी ऐसी मन में पीड़ा है तो अपने जीवन साथी के पास में जाइए, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ में जाइए, तो उनको बताइए प्रॉब्लम क्या है, वो अपने आप आपको उसका सोल्यूशन भी बताएंगी और आपको कम्फर्ट भी करेंगे। कुछ भी नया काम करना है तो थोड़े दिन अपने आप को संभाल करके चलिए, थोड़े दिन रुक जाइए उस काम को लेकर के, प्लानिंग कर लीजिए, प्लानिंग अच्छी तरीके से कर लीजिए। जैसी ऑन ग्राउंड जब रियलिटी की बात करते हैं तो आपके पास में बहुत ही अच्छा प्लान तैयार रहे। आज के लिए आपका लकी रंग है ग्रीन और आपका लकी नंबर है नंबर 2। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आज आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, तो आज आपका रुझान धार्मिक कार्यों की तरफ ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और वहीं पे अगर कोई माता की चौकी लगा रहे हैं या तो फिर कहीं पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम है तो आप अपने आप को उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ऊपर होगी और वहीं पे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। ऐसे लगेगा कि ज़िंदगी में जो सारी परेशानियाँ हैं वो अपने आप आज इस पल में सारी खत्म हो चुकी हैं। आज रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताज़ा करने का भी दिन है। कहीं किसी के साथ में मन मुटाव था, किसी के साथ में बात नहीं करते थे या किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम थी, तो आज उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का दिन है। और अगर आप खुद अपने आप पहल कर रहे हैं तो आप पाएंगे सामने वाले की आंखों में आपकी इज्जत भी बढ़ गई है और उसी के साथ में आप एक हायर ग्राउंड पे आके उस रिश्ते को भी बचा पाए हैं। आज के दिन परिवार का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलने वाला है। इस राशि के जो विवाहित लोग अपने जीवन साथी को खुश करने का कोई अच्छा प्लान बनाना चाहते थे तो आज वो भी संभव है।
स्वास्थ्य आज के दिन आपके पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्ती रहेगी। रिकवरी अगर आप कर रहे हैं किसी बीमारी से तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी रंग है ब्लैक और आपका लकी नंबर है नंबर 1। बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। तो आज आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, तो आज आपका ध्यान रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव कार्यों में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। आप किसी के साथ मिलकर नई रचना की शुरुआत कर सकते हैं, कोई एक नई काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपको सामाजिक कार्यों में भी रुझान बढ़ने वाला है आज के दिन, और आपके कामों से लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि इतना ज़्यादा अच्छा काम कैसे कोई कर सकता है। जैसे कि किसी पेंटर की पेंटिंग को देख करके सोचा जाता है पेंटर कितना ज़्यादा अनुभवशाली होगा, उसके हाथों में कितना बड़ा जादू होगा कि उसने इस चीज़ को पेंट किया है। कई बार गाना सुन करके हम सोचते हैं कि इसके जो गायक हैं गायिका हैं उनकी कितनी अच्छी आवाज़ है, उनका गला कितना ज़्यादा अच्छा है। तो वैसा ही कुछ आज सोसाइटी आपको देख के भी बोलेगी कि जो आप काम करेंगे तो इस काम को करने वाला कितना इंटेलिजेंट इंसान होगा, ऐसा कुछ आपको भी सुनने को आज मिल सकता है। कुछ लोग आपकी तारीफ तो करेंगे ही, उसी के साथ में कुछ लोग आपके जैसा बनने की भी कोशिश करेंगे। आज आपके गुणों का फायदा आपको आने वाले दिनों में ज़रूर मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी रंग है ग्रीन और आपका लकी नंबर है नंबर 1। तो अब आने वाले समय में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्य पर्व आने वाला है। आप इस पर्व का लाभ कैसे उठा सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं। यदि आप सरकारी बाधा से, झूठे दोषारोपण से, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सूर्य जो कि सत्ता का, अधिकार का, प्रबंध का और सरकार का स्वामी ग्रह है, सूर्य के अनुकूल होने पर राज्य की कृपा मिलती है यानी कि गवर्नमेंट के फेवर्स मिलते हैं। अपने सुपीरियर्स जो हैं उनसे प्यार मिलता है, उनका सपोर्ट मिलता है, यहीं पे अधिकार और ऐश्वर्य भी मिलता है। पर अब ये कि अगर सूर्य प्रतिकूल हो तो क्या समस्या खड़ी कर सकता है, तो आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, फाइन, पनिशमेंट और अरेस्ट के भी चांसेस बनते हैं। वहीं पे सरकार भी आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाती है या तो फिर इल्ज़ाम लगाने पे आई होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढ रही होती है। आपको जो अधिकार हैं वो भी पूरे नहीं मिलते, और वहीं पे कुछ ना कुछ आसपास वाले लोग भी आपके ऊपर झूठे दोष लगाना चालू कर देते हैं। डिमोशन होने की भी सिचुएशन आ जाती है, और कहीं पे अच्छा पद था तो नौकरी छोड़ने तक की नौबत आ जाती है। कोर्ट कचहरी के अगर मामले चल रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत परेशानी देखने को मिलती है, और केस जल्दी सॉल्व नहीं होते, डेट पे डेट मिलती जाती है। यदि आप भी ऐसे किसी आरोप प्रत्यारोप से परेशान हैं तो इस मकर संक्रांति पर आपको सूर्य शांति का विशेष उपाय यानी कि मकर संक्रांति कलश के माध्यम से जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको क्या करना है, क्या पूजा करनी चाहिए, क्या मंत्र जाप करना चाहिए, किस माला से करना चाहिए, विधि विधान क्या होगा पूजा का, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, पूजा का क्या क्या सामान चाहिए होगा, इसका संपूर्ण विधि विधान और संपूर्ण सामग्री भी आपको इस कलश में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस मकर संक्रांति कलश को पाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ मेरे ऑफिस में कॉल करना है। आपको नंबर नीचे दिए गए हैं, फटाफट से सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक आप कभी भी कॉल कीजिए। यहाँ पे अपना नाम बताइए, बताइए आपको कलश चाहिए है, बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी समस्या बताइए, और उसके साथ में समाधान आपको फटाफट से दिया जाएगा। तो इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, कल फिर डेली राशिफल लेके आप सभी के समक्ष आऊँगा और बतलाऊँगा कैसा रहेगा 7 जनवरी का दिन। मैं हूं मोहित कमल श्रीवाली, आपका आज का दिन शुभ, मंगलमय और सफलताओं से भरा हुआ हो। आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद एवं जय हिंद।